आप सबका स्वागत करता हूँ सिग्नेचर इंजीनियरिंग वर्क्स इस मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे कि आपको बताया जाता है टूल रूम में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से मशीन्स बनाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। आज हम आपके लिए एक नया मशीन, एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए, मैं पहले कस्टमर का कंपोनेंट आपको बता रहा हूँ। ये फेंडर है जो कि टू व्हीलर के फ्रंट टायर के ऊपर लगाया जाता है। तो इसको जो है कस्टमर को इनर साइड को पेंटिंग करना था, ये उनका अभी जो है मैन्युअली ऑपरेशन शुरू था, तो हमने एक SPM एक ऑटोमेशन उनको यहाँ पे करके दिया है, जिसमें कि उनका पेट और मैन पावर काफ़ी सेव होता है। तो वो हिसाब से हमने एक बड़ा और एक काफ़ी सिंपल ऐसा मशीन उनको यहाँ पे बना के दिया है। तो इस मशीन में जो है काफ़ी सारे काम अभी बाकी है। आप देख रहे हो कि इसका कलरिंग भी अभी बाकी है। तो जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे अलग अलग स्टेजेस के वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आएंगे। मैं अभी आपको ये वीडियो में डिटेलिंग इसका एक नॉर्मल कितने स्टेजेस है और पहला स्टेज कौन सा है इसके बारे में अभी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें हमने टोटल 3 स्टेजेस रखे गए हैं। पहला है कि एयर ब्लो स्टेशन है, जिसमें कि इनर साइड को एयर फ्लो होके जो भी पेंटिंग के लिए फेंडर कम्प्लीटली ड्राई चाहिए तो पूरा ड्राई हो जाता है। यहाँ पे देखिए एयर ब्लो के 3 स्टेशन दिए गए हैं, 1, 2 और 3, ऐसे 3 स्टेशन है। वहाँ पे एयर ब्लो होके ये फेंडर को पूरी तरीके से ड्राई किया जाता है। उसके बाद में पेंट स्टेशन है, पेंट स्टेशन में इनर साइड से पेंट होता है और पेंट स्टेशन होने के बाद जो भी एक्साइज पेंट पीछे साइड में जॉब पर रहेगा उसके लिए मॉफिंग स्टेशन दिया गया है। तो अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग पार्ट्स में इसको आपके डिटेल बताया जाएगा। अभी मैं आपको पहला स्टेशन का डिटेलिंग बोल रहा हूँ। एकदम सिंपल है, PLC यूज़ किया गया है, न्यूमेटिक सिलेंडर्स है। जैसे ही देखिए स्लैट कन्वेयर है, टोटल 34 स्लैट्स लगाए गए हैं यहाँ पे। और उसके बारे में अगर आप यहाँ पे साइकिल स्टार्ट करते हो तो फिक्सर टू फिक्सर और स्टेज टू स्टेज ये मूव होता है। यहाँ पे 34 फिक्सर 34 स्लैट्स है। तो अभी मैं पहला जॉब लोड कर रहा हूँ, एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखिए स्प्रिंग टेंशन के स्प्रिंग्स, नोजल स्पिन्स दिए गए हैं, जो कि जॉब को 2 गाइडिंग पिन थे यहाँ पर। यहाँ पे जॉब ऐसा लोड करना है, ये स्प्रिंग टेंशन खींच लेना है और यहाँ पे चेक करना है उसे कि ये उसमें लोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे जॉब लोड हो चुका है, जॉब पूरी तरीके से लोड होने का कंफर्मेशन यहाँ पे स्प्रिंग के जो पिन है वो अंदर जाने पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा तरीके से जॉब लोड हो चुका है। अभी हम साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए साइकिल स्टार्ट है। अगर कुछ इमरजेंसी होता है और कुछ प्रॉब्लम होता है तो इमरजेंसी भी सेफ्टी पर्पज भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए अभी साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही साइकिल स्टार्ट करते हैं ये फेंडर यहाँ पे जाता है, लिमिट स्विच ऑपरेट होता है और एयर ब्लो के जो नोजल्स है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। देखिए एयर ब्लो हो रहा है, देखिए कंप्लीट एयर ब्लो हो चुका है। फिर पहले ही जॉब को एयर ब्लो हुआ है, अभी मैं दूसरा जॉब लगाने जा रहा हूँ। देखिए दूसरा जॉब लगाया है यहाँ पर, यहाँ पे बस चेक करना है ये पिन गाइड्स हो रही है या नहीं और उसे गाइड कर देना। देखिए गाइड हो चुका है, गाइड होने के बाद साइकिल स्टार्ट, अगेन रोटेशन है साइकिल का। देखिए लिमिट स्विच ऑपरेट हो चुका है और एयर ब्लो स्टेशन नीचे आ चुका है। अभी दोनों ही फेंडर को एट अ टाइम एयर ब्लो हो रहा है। इसी तरीके से फेंडर कम्प्लीटली ड्राई होके पेंट स्टेशन को जाता है। अभी अगले वीडियो में पेंट स्टेशन पे इनर साइड से कैसा पेंट होता है, उसका स्पीड रेगुलेट कैसा करना है, अलग अलग नोजल्स वहाँ पे भी यूज़ किए गए हैं, पेंट गन यूज़ किए गए हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पता चलेगा। इसी तरीके से टेक्निकल और इंडस्ट्री में किस तरीके से काम चलता है, इस वीडियो के जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।